नमस्कार फ्रेंड्स एमपी जिला दर्शन में आप सभी का बहुत स्वागत है आज हमारा डिस्ट्रिक्ट या जिला है मुरैना ठीक है कल हमने भिंड किया था आज हम मुरैना करेंगे मुरैना इज अ वेरी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट एंड हियर यू विल सी मुरैना इट शेयर्स अ बॉर्डर विद राजस्थान एंड ऑल्सो उत्तर प्रदेश ओके सो दिस इज द रीजन और द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुरैना वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट नाउ मुरैना एज यू कैन सी रिवर चंबल एक्चुअली फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो उत्तरी क्षेत्र है डिस्ट्रिक्ट का वो चंबल नदी यहीं से फ्लो करती है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश से डिवाइड करती है साउथ ईस्ट इस डिस्ट्रिक्ट में ग्वालियर है शिवपुरी इसके साउथ में है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे श्योपुर है ठीक है फिर यहाँ पे इसके साउथ ईस्ट इस में आप देख रहे हैं ग्वालियर है वेस्ट ईस्ट में इसके भिंड हैं ठीक और यहाँ पे नीचे शिवपुरी है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुरैना और भिंड बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं और ये थोड़े से पिछड़े भी माने जाते हैं व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट एंड ऑल यहाँ से पिछड़े माने जाते हैं ठीक है और यहाँ पे धौलपुर करौली का क्षेत्र भी है श्योपुर का भी क्षेत्र है नेम मुरैना का मयूर वन में है मयूर वन रहा है और ये महाभारत में इसका साफ साफ मेंशन दिया हुआ है ये चंबल डिवीज़न के अंतर्गत आता है नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है यानी कि सबसे सबसे उत्तरी जिला माना जाता है ये मध्य प्रदेश का इसके अलावा पागरा डैम ये पहला डैम है मध्य प्रदेश का ये असन आसान रिवर पर सिचुएटेड है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में ही बिलीव्स ऐसे माने जाते हैं कि जब कर्ण हुए थे तो कुंती ने इनको कर्ण को यहीं इसी रिवर से फ्लो ऑफ कर दिया था मुग़ल रूलर जहांगीर ने इस्टेब्लिश किया था नूराबाद नगर मुरैना में और ये मुरैना में इन्होंने जो ये एरिया डेवलप किया था इन द मेमरी ऑफ दिस क्वीन ही नूराबाद ब्रिज जो कि मुराना में है वो सांक रिवर पे सिचुएटेड है और यहाँ पे बहुत सारे ऑक्टिगनल डोम्स भी हैं जो कि अम्ब्रेला के शेप में है और ये ब्रिज के दोनों साइड्स में इन्हें बिल्ड किया गया है कंट्री का पहला मार्टिन मेमोरियल कहाँ पे सिचुएटेड है मोराना में स्थित है और इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द मेमोरी ऑफ द रेवोल्यूशनरी राम प्रसाद बिस्मिल जी और राम प्रसाद बिस्मिल म्यूजियम भी यहीं पे इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1988 एटी एट यहाँ का लार्जेस्ट क्रोकोडाइल सेंचुरी लार्जेस्ट क्रोकोडाइल सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश यहीं पर लोकेटेड है मुरैना और भिंड में और हमको पता है ना घड़ियाल भी यहाँ पर मिलते हैं चंबल रिवर में घड़ियाल भी मिलते हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं या फिर गंभीर रूप से लुप्त प्राय है इसके बारे में आपको पता ही होगा ये चंबल नदी में मिलते हैं चंबल नदी जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है चंबल नदी का उत्तर प्रदेश में 2000 से अधिक घड़ियाल मिलते हैं ठीक है यहाँ पे जो सेंचुरी है नेशनल चंबल सेंचुरी इसका नाम है इसका एरिया 435 स्क्वायर किलोमीटर्स में है और ये भिंड और मुरैना के बीच में स्थित है मतलब उसी के क्षेत्र में मिलता है इसका अदर जो नेम है दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेशनल रगेड रिसर्च सेंटर ये यहीं पे लोकेटेड है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस जो मध्य प्रदेश का है एमपी का है वो मुरैना में ही सिचुएटेड है पहली सीमेंट फैक्ट्री जो मध्य प्रदेश की थी ये बनमोर मुरैना डिस्ट्रिक्ट में मिली है इट वाज स्टार्टेड इन 1922 करंट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली ये है नरेंद्र सिंह तोमर जी इनको इलेक्ट किया गया दिमनी असेंबली से मुरैना डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बात करते हैं चौसठ योगिनी टेम्पल चौसठ योगिनी टेम्पल के बारे में बहुत बोला जाता है कि इसी को देख के

1055 कॉमन एरा से 1075 कॉमन एरा के बीच में माना जाता है कि यहाँ पे एडुकेशन एस्ट्रोलॉजी में प्रोवाइड की जाती थी और मैथ्स के अंदर साथ ही साथ चौसठ योगिनी टेम्पल इस इसके लिए इकहत्तर महादेव टेम्पल के लिए भी इसके नाम से मतलब इस नाम से भी जाना जाता है चौसठ योगिनी टेम्पल मोरेना इट इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ इकहत्तर माधव टेम्पल ठीक है उसके बाद सिहोनिया की बात करते हैं ये भी मोरेना में लोकेटेड है इट वॉज हिस्टोरिकली नोन एज सिम्हापनिया एंड इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू अहनिया ठीक है इसके अलावा यहाँ पे काकन मठ टेम्पल के बारे में बात करते हैं तो ये टेम्पल इट इज द शेवाइट टेम्पल इट इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा एंड यहाँ पे इलेवंथ सेंचुरी में लार्ज स्केल पे इसको बनाया गया था इट इज़ वन ऑफ द फ्यू सरवाइविंग रॉयल टेम्पल्स ऑफ दी ये भी कच्चा पगटा डायनेस्टी ने ही बनवाई थी इसके अलावा मोस्ट सिग्निफिकेंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो सिहोनिया में है इट हैज़ बीन फीचर फीचरिंग टू साइड बाई साइड टेम्पल विच इज इन्क्लोज विद इन अ पेरीमीटर वॉल उसके अलावा स्ट्रक्चर्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट्स यानी कि जो बचे कुछ एक खंड थे अब तो ये पूरा का पूरा मतलब ठीक ठाक प्रॉपर्ली दिख रहा है आपको बट उससे पहले जब इसको बनाया गया था कुछ बचे कुचे खंड थे जो नाइन्थ से थर्टीन सेंचुरी के बीच में थे उसी से बनाए गए थे अगर जैन टेम्पल की बात करें ये भी सोहोनिया के साउथ में लोकेटेड है इट इज़ अ प्रोमिनंट दिगंबर अतिशय क्षेत्र स्पेशल पिलग्रमिज साइट है दिगम्बर्स के लिए श्वेतर्स भी होते हैं दिगम्बर्स भी होते हैं कॉम्प्लेक्स में जैन स्टोन इमेजेस हैं जो कि इस रीजन से कलेक्ट की जाती हैं चंबल रिवर वेस्ट टू नॉर्थ फ्लो करती है इस डिस्ट्रिक्ट में चंबल रिवर ये नानापाव हिल से निकलती है इंदौर डिस्ट्रिक्ट के ये तो याद ही होगा आप लोगों को इट फ्लोज थ्रू इंदौर उज्जैन रतलाम और उसके बाद मंडसौर के थ्रू राजस्थान में द आफ्टर पार्वती भी कॉन्फ्लुएंस करती है इट टचेस द श्योपुर डिस्ट्रिक्ट इसकी वजह से यहाँ पे ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बनती है इसके अलावा इट एंटर्स द मुरैना डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ऑफ नीतनवास एंड मेक्स द इंटर स्टेट नेचुरल बाउंड्री यहाँ पे नेचुरल बाउंड्री मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बनती है उसके बाद जब बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश आ जाती है फिर इट ज्वाइंट यमुना रिवर इन दटावा डिस्ट्रिक्ट इसके अलावा चंबल वैली हैज हाई बैंक विद डीप एंड वाइडली डेवलपमेंट डेवलप्ड रिवाइंस इसको चंबल रेवाइंस भी कहते हैं या चंबल बिहड़ भी, भी कहते हैं या चंबल बैडलैंड भी कहते हैं बैडलैंड आर नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर नॉट यूजफुल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर और एनी अदर डेवलपमेंट नाउ लेट्स टॉक अबाउट आसन रिवर ये रिवर राइज करती है देवरी विजयपुर तहसील ऑफ शेरपुर डिवीजन से ये 24 फोर किलोमीटर्स तक फ्लो करती है बाउंड्री इट इज़ अवे फ्रॉम दी डिस्ट्रिक्ट एंड फ्लोज नॉर्थ ईस्टर्ली कोस्ट इसके अलावा इस पर दो डैम्स हैं एक पागरा डैम और एक कुटवार डैम ये रिवर फॉर्म करती है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री Uh, भिंड uh, के साथ फॉर डिस्टेंस एंड फ्लोज टूवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा मेन ट्रिब्यूटरी इसकी कुमारी है संगोली विलेज ऑन द राइट ऑफ द बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट द साउथ और द सांग दी ओनली ट्रिब्यूटरी विद जॉइंट्स आसन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न कोर्स ऑफ कुटवार डैम द कुवारी रिवर के बारे में बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लैट ऑफ देवगढ़ से निकलती है शिवपुरी में और फिर उसके बाद साबरगढ़ तहसील में जाती है शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में इट फ्लोज टूवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड मिडिल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट क्लोज टू द्वारा एंड अम्बद अंबाह तहसील एंड जॉइंट इसके अलावा छोटी ट्रिब्यूटरी सोले और सोन है ठीक है चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड दी एंशंट नेम ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज मयूर वन एन महाभारत मौरना ग्वालियर शिवपुरी या अशोकनगर इसके अलावा विच इज द नॉर्दन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश श्योपुर मौरैना ग्वालियर एंड शिवपुरी